हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल और क्यूब सरफेस का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकाला जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच हैज़ अ ग्रेटर वॉल्यूम, अ क्यूब हैविंग एन एज ऑफ 6 सेंटीमीटर और अ क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर हाई। तो यहाँ पे हमको क्यूब और क्यूबॉइड के वैल्यू दिया हुआ है, इसके हमें वॉल्यूम निकालना है और फिर बताना है कि कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है। तो क्यूब का साइड कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला हमारा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, साइड क्यूब मींस साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो हमारा साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 हमारा 3 टाइम आ जाएगा, 6 क्यूब इट मींस 6 मल्टीप्लाई 6। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 6 6 36 36 6 216 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख देते हैं। लेंथ इक्वल टू क्या है हमारा, 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है, 7 सेंटीमीटर, और हमारा हाइट कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें इस क्यूबॉइडल सरफेस का भी वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। हमारे हाइट की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 7 70, और 70 और 2.5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 175 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्यूब, जो क्यूब वाला सरफेस था उसका वॉल्यूम हमारा आया 216 और क्यूबॉइडल सरफेस का वॉल्यूम आया 175। तो इसमें से ऑब्वियसली बड़ा है क्यूब का वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर है क्यूबॉइडल के वॉल्यूम से, क्यूब हैज ग्रेटर वॉल्यूम देन क्यूबॉइड, ओके। देन वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स विद द डायमेंशन 12 सेंटीमीटर, 8.25 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। लेंथ क्या है अपना, 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है अपना, 8.25 सेंटीमीटर, हाइट क्या है अपना, 4.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसकी वॉल्यूम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ
क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है हम उसको इसमें सेट कर देते हैं। लेंथ हमारा क्या है 12, ब्रेथ क्या है अपना 8.25, और हमारा जो हाइट है क्या है 4.5, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 445.5, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द आउटसाइड डायमेंशन ऑफ अ वुडन बॉक्स आर 1 meter by 80 centimeter by 0.50 centimeter if the inside dimension are 0.9 meter by 0.70 meter by 40 centimeter, find the volume of wood used in the box। तो सबसे पहले जो outside का dimension है उसकी हम value निकालेंगे, volume निकाल लेंगे, ठीक है। तो आउटसाइड का जो बॉक्स है, वुडन बॉक्स का आउटसाइड का डायमेंशन वो कितना है, उसकी लेंथ है 1 meter, ठीक है। और 1 meter जो है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 meter इक्वल टू 100 centimeter होता है, ठीक है। क्या लिख लेते हैं हम, 1 meter इक्वल टू 100 centimeter, ठीक है। हमारा ब्रेथ क्या है 80 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 0.50 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड डायमेंशन of wooden box, ठीक। सेम फॉर्मूला रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो हमारा लेंथ हो गया है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि सारे यूनिट सेम होने चाहिए, ये 2 सेंटीमीटर में था, ये 1 मीटर में था, तो इसलिए हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। ब्रेथ है हमारा 80 सेंटीमीटर और हाइट है हमारा 0.50 सेंटीमीटर। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80 और 100 का मल्टीप्लाई करने में 8000 आ जाएगा। और जब हम 8000 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4, 8, 5, 40 और 1, 2, 3, 4 0 आ जाएंगे हमारे पास। ये हो जाएगा 400000 centimeter cube। अब इसी तरह जो हमारा इनसाइड डायमेंशन है उसकी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 0.9 meter, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ब्रेथ यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 0.70 meter, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। हाइट यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे।
वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो हमारा लेंथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है 90, ब्रेथ क्या है 70 और हाइट क्या है 40। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63 और 63 4 252, 1 2 3 जीरो लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा इनसाइड वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, हमको वुडन का वॉल्यूम जानना है, तो ये दोनों वैल्यू जो हमारा आया है उसको हम माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वुडन यूज्ड इन बॉक्स, ठीक है, दोनों वॉल्यूम को माइनस करेंगे, जीरो जीरो कैरी दिए, 10 में से 2 गया 8, ये हमारा 9 हो गया, 9 में से 5 गया 4, ये 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, तो 1,48,000 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज 4 मीटर 3.5 मीटर एंड 2.5 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इट कंटेन। तो हमारा लेंथ क्या दिया हुआ है 4 मीटर, ब्रेथ क्या दिया हुआ है 3.5 मीटर और हमारा हाइट क्या दिया हुआ है 2.5 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ रूम। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो हमारा लेंथ क्या है 4, ब्रेथ क्या है 3.5, हाइट क्या है 2.5, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 3 12 और 0.5 है तो हो जाएगा 14, 14 और 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 मीटर क्यूब।